140 तुम हमारी फिर से संस्कारी जब भी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आया ना क्या करना है कैसे करना है तो ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए निकल जाना चाहिए उस अनजान सफर पर जहाँ आपको भी नहीं पता होगा क्या होगा एक तो पोज दे पोज पोज देना तो आपको भी समझ नहीं आ रहा आखिर ये बंदी है कौन तो ये मेरा दोस्त है और ये भी मेरे इस अनजान सफर में भटकने आया है और भी दोस्त हैं वो सब लोग पीछे रह गए तो बातों बातों में ही आपको बो नहीं करता हूँ आगे कंटिन्यू करते हैं जिधर दिखी नारी उधर लाइन मारी पटी तुम हमारी संस्कारी लेकिन यार यहाँ में पिघल फाइनली हम लोग अपने लोकेशन में पहुंच गए तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाएं क्योंकि आपके इस मोबाइल को होम स्क्रीन पर वो सुंदर नज़ारे आने वाले हैं जिसके लिए हम लोग इतनी कड़ी मेहनत और पूरे पैसे इस सुंदर नज़ारे के लिए हर हर महादेव। तो हमारे इस महादेव जी से मिलने के बाद अब टाइम है एंजॉय की तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। सो इसे कहते हैं सुरक्षा कवच तो हम दोनों युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। तो गाइस हम लोग कभी जा रहे हैं बोर्ड में वो लोग बहुत डर लगता है तो देखते हैं इसका रिएक्शन। बहुत अच्छा है गाइस तो देख मुदा लड़की मन जितना खूबसूरत करी थी उतना कम कारी थी प्यारी समझ गई बता भैया बेइज्जती कर देता है रे तू हर पास नहीं राजे से भी श्रद्धा है दोनों पर कमरा है ना एक कमरा में दिमाग है अभी कमरा में पैसा है तो कौन सा चीज करे दिमाग है मतलब तो मैं दिमाग ही नहीं तो दिमाग एक से दस तक के काउंट थ्री फोर वन की उल्टा का हाथ थ्री फोर वन नहीं नहीं वन फोर थ्री वन फोर थ्री ओके मजाक वजाक तो बहुत हुआ बट हम लोग कर रहे थे किसी की बेटी यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ अगर आप कहीं पहाड़ों में जाओ और बहुत धूप लग रही हो और इंद्रदेव जी भी परियों के साथ बिजी हो तो अब क्या करोगे मैं नहीं बताऊंगा
इस सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। तो आप लोग इसे ये सुनकर नहीं देखकर एंजॉय कीजिए। यहाँ देख सकते हैं पापा की परियां यहाँ पर तैर रही हैं। कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। मैंने देखा उसे, हुआ मैं पागल बस पल भर में। इस कहानी का एंड यहीं पर करते हैं और मैं वो सारे लम्हे को इस जिंदगी की किताब में कैद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी क्या है, जिंदगी एक किताब ही तो है।